पंजाब में सिद्धू की शिकायतों का हल निकालने के बाद अब कांग्रेस ने सचिन पायलट की मांगों को मानने की तैयारी कर ली है। जिस तरह पंजाब में अमरिंदर सिंह को आलाकमान के आगे झुकना पड़ा, उसी तरह राजस्थान में अब गांधी परिवार के दबाव के आगे अपनी जिद छोड़ने की बारी अशोक गहलोत की है। क्या है राजस्थान कांग्रेस में मची उथल पुथल पर अपडेट, यह आपको बताएंगे। साथ ही चर्चा करेंगे असम और मिजोरम के बीच चल रहे विवाद। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस महासचिव व पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल में कई मंत्रियों को हटाए जाने का स्पष्ट संकेत देते हुए कहा है कि कुछ मंत्रियों ने पद छोड़कर संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई है। माकन ने गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस और समर्थक विधायकों से एक एक कर चर्चा करने के बाद यह बात कही। माकन ने विधायकों से फीडबैक लेने का काम गुरुवार को ही पूरा कर लिया था। अजय माकन के अनुसार हर किसी ने उनसे कहा है कि पार्टी आलाकमान जो भी उनके लिए तय करेगा वे उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने पद छोड़कर संगठन के लिए काम करने की इच्छा जताई है। हालांकि उन्होंने किसी मंत्री विशेष का नाम नहीं लिया, वहीं उनकी इस टिप्पणी को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि कई मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। अजय माकन ने कहा, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो सरकारी पदों को छोड़कर संगठन के लिए काम करने को आतुर हैं, हमें ऐसे लोगों पर गर्व है। सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों व हमारे ऐसे साथी जो सब कुछ छोड़कर संगठन के साथ काम करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर 2023 में कांग्रेस वापस सरकार बनाएगी, ऐसा माकन ने दावा भी किया। कांग्रेस नेता के अनुसार मंत्रियों ने खुद उनका यानी अजय माकन का उदाहरण दिया जब 2013 में उन्होंने संगठन के लिए काम करने के वास्ते मंत्री पद छोड़ दिया था। अजय माकन द्वारा अपनी रिपोर्ट दिल्ली में आलाकमान को सौंपे जाने के बाद राज्य में बदलाव की संभावना के सवाल पर माकन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही दिल्ली हूँ। हम आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थकों द्वारा सत्ता में अधिक भागीदारी की मांग के बीच राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार व जिला तथा ब्लॉक स्तर पर सांगठनिक नियुक्तियां जल्द होने की उम्मीद है। पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट के लिए कोई भूमिका तय किए जाने के सवाल पर अजय माकन ने कहा, हर कोई आलाकमान पर विश्वास रखता है, सबने यही कहा है कि जो आलाकमान तय करेगा, जिस भूमिका के लिए तय करेगा, वह सबको मंजूर है। इसके साथ ही अजय माकन ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार के प्रदर्शन पर मुहर लगाते हुए कहा कि सभी विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों से खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का जोर अब सरकार व संगठन में बेहतर तालमेल पर है ताकि 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बने। अजय माकन ने कहा, जब मैं विधायकों से बात कर रहा था तो हर विधायक ने मुझे बताया कि उसके निर्वाचन क्षेत्र में किस तरह से अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, अस्पतालों की बात हो, एक के बाद एक विधायक आकर बता रहे थे। सब विधायक संतुष्ट हैं और सब विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। माकन ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी से भी चर्चा की। अब अजय माकन तो विधायकों के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता भी क्या संतुष्ट है, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, पिछले 3 दिन में मैंने राजस्थान में हमारे कांग्रेस व कांग्रेस समर्थक सभी विधायकों से बात की, 115 विधायकों से विधानसभा में चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से अलग अलग सबसे मैंने बात की। उन्होंने कहा, हमने मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की कि 2023 में किस प्रकार से हम कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस ला सकते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी हमने इस पर चर्चा की कि सरकार व संगठन में बेहतर समन्वय हो सके ताकि हम लोग मिलकर 2023 में कांग्रेस को वापस सत्ता में ला सकें। हम आपको बता दें कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार दिसंबर 2018 में सत्ता में आई और अपना लगभग आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है। राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 106 विधायक हैं। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायकों का उसे समर्थन प्राप्त है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी मंत्रिपरिषद में 9 और मंत्री रख सकते हैं। इस समय गहलोत मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 21 मंत्री हैं। उधर असम मिजोरम विवाद की बात करें तो मिजोरम पुलिस ने कोलासिब जिले के वेरेंगते नगर के बाहरी हिस्से में हुई हिंसा के मामले में
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, राज्य पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय जॉन एन ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सीमांत नगर के पास मिजोरम और असम पुलिस बल के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सोमवार देर रात को राज्य पुलिस द्वारा वेरेंगते थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि असम पुलिस के 200 अज्ञात कर्मियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी ओर असम पुलिस ने मिजोरम से राज्यसभा के इकलौते सदस्य के वनलाल वेना को अंतर्राज्यीय सीमा पर हुई हिंसा की साजिश में कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ के लिए 1 अगस्त को बुलाया है। असम पुलिस ने यह भी कहा है कि वह सोमवार को सीमा पर हुई हिंसा को लेकर कथित रूप से भड़काऊ बयान देने वाले वनलाल वेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। हम आपको बता दें कि उस हिंसा में 5 पुलिसकर्मियों और 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिल्ली आई असम पुलिस CID की एक टीम वनलाल वेना को ढूंढने उनके आवास और मिजोरम सदन गई, लेकिन वह वहां नहीं मिले। पुलिस ने उनके सरकारी आवास के बाहर एक नोटिस चिपका दिया है और उन्हें पेश होने को कहा है। इस बीच असम पुलिस की ओर से राज्य की सीमा पर सुरक्षा पोस्ट बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। असम मिजोरम का जो बॉर्डर है, सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी मैप में नोटिफाई कर चुके हैं। उसी नोटिफिकेशन से उनका स्टेट भी बन चुका है। अब वो नहीं मान रहे हैं, वो सेंट्रल लेवल पे उनको डिस्कशन से ले सकते हैं, बट फॉर वॉट एवर रीज़न हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उनके सिविलियंस के हाथों में भी एक्सप्लोजिव्स हैं, गन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एमिनेशन बहुत वो सिविलियंस में बांट दिए हैं, उनके काफ़ी सिविलियंस एक्स मिलिटेंट्स भी हैं, तो शायद उनको ट्रेनिंग भी रेडी मिल चुका है। बहुत उनके तरफ से आगे अग्रेसिवली मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके वजह से वी हैव टू स्टॉप देम एट सम पॉइंट। हमारी सिटीजन्स को भी हमको सिक्योरिटी अश्योर करना है। जैसे उस दिन आपने देखा DCSP ऑफ कचार को अटैक किए हैं उन्होंने, तो वी हैव टू सेट अप आर गार्ड्स। इसी प्रोसेस में हम हमारे पॉइंट्स सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे हमारा पुलिस बैठेगा और हमारा सिक्योर करेगा।